अज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पांतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रार्णनौ गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हम लोगों की दीक्षा हो चुकी थी और दीक्षित होने के बाद लगातार 5-6 साल गुजर जाने के बाद 2009 में अमरकंटक में चातुर्मास चल रहा था। अमरकंटक में चातुर्मास के दौरान कोई ऐसा संवाद हो गया पूज्यवर के सामने, आचार्य श्री जी ने हम 25 ब्रह्मचारियों को महाराज बन गए थे पास में बुला करके बोला, ऐसा पास में ला करके बोलते हैं। उस वक्त कोई दूसरे मुनि महाराज जी, बड़े बड़े महाराज जी भी साथ में रहते थे, एक भी बड़े महाराज जी साथ में नहीं। हम लोगों को बुलाया 2004 के दीक्षित साधुओं को और 2009 में 4 के दीक्षित साधुओं को पास में बुला करके, गुरुदेव को पता नहीं क्या लगा, एक शब्द बोल बैठे। आचार्य श्री जी हम सब की तरफ देख रहे थे, वो देखते हुए कहते हैं अपना तीसरा नेत्र खोलो तुम लोग। वो शब्द इतना गंभीर था, गुरुदेव ने इतनी गंभीरता के साथ बड़ी बड़ी आंखें निकाल करके आचार्य श्री जी ने कहा अपना तीसरा नेत्र खोलो। हम लोग बिल्कुल शांत हो गए, उम्मीद से बाहर ऐसा संवाद, कभी सोचा नहीं कि गुरुवर ऐसा बोलेंगे। गुरुदेव ने कहा वो जो तीसरा नेत्र होता है वो माथे पर दिखाई नहीं देता, अंदर होता है। उस तीसरे नेत्र से बाहरी चक्षु तो दो होते हैं, इन दो चक्षुओं से जब तक देखोगे संसार दिखाई देगा, अपना तीसरा नेत्र खोलो। सभा में हम जितने भी साधु परमेष्ठी बैठे थे उतने ही गंभीर जितने गंभीर अभी आप बैठे, आचार्य श्री जी की ओर देख रहे थे। गुरुदेव मुस्कुराए नहीं, गंभीरता के साथ कहते हैं ये दो आंखों से देख रहा हूं आप लोगों को, 4-5 साल हो गए, तीसरा नेत्र, ऐसा उंगली करके बोले। ऐसा लगा कि जैसे महाशिव का तीसरा नेत्र बना रहता है, ऐसा कोई तीसरा नेत्र हमारा भी है। फिर आचार्य श्री जी बोलते हैं ज्ञान चक्षु बाहर दिखाई नहीं देता, अंदर से देखो, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को दो आंखों से बहुत दिन तक देख लिया। अब कोई भी व्यक्ति जीवन में सामने आता है उसको तीसरे नेत्र से देखो। कोई भी परिस्थिति सामने आती है उस परिस्थिति को तीसरे नेत्र से देखो, तीसरा नेत्र खोलो। उसके पीछे का कारण था 2009 में
साधुओं में किसी बात को लेकर के कुछ बातें हो रही थी, वो बातें गुरुदेव के कान तक चली गईं। आचार्य सी जी को लगा कि अभी भी ये लोग आंख से देख रहे हैं। फिर गुरुदेव ने कहा, तुम्हारा तीसरा नेत्र आगम चक्षु साहु इंद्रिय चक्षुणि सब भूदानी देवा या ओहि चक्षु सिद्धा पुण सब दो चक्षु। चार अलग अलग जीव है, अलग अलग तरीके से देखते हैं। साधु होता है आगम चक्षु साहु, किसी भी स्थिति को, परिस्थिति को, व्यक्ति को, किसी भी भौतिक पौद्गलिक वस्तुओं को आगम की आंख से देखता है। इंद्रिय चक्षुणि सब भूदानी, संसार में रहने वाले जितने भी लोग हैं अपनी ये दो आंखों से देखते हैं। तुम लोग संसार से ऊपर उठ गए, तीसरा नेत्र खोलो। आचार्य सी जी का वो शब्द, वो संवाद इतना गंभीर था। गुरुदेव के उस संवाद को सुनने के बाद आप विश्वास मानिए, तीन दिन तक हम लोग मुस्कुराए नहीं। हर चीज में ऐसा लगता था कि गुरुदेव ने महाशिव बनने के लिए एक रास्ता खोला है। हर चीज को आगम की आंख से देखो, बाहर दिखाई नहीं देता, अंदर होता है। अंदर से हर चीज समझ में आती है। कोई भी परिस्थितियां आपके सामने लाई जाती हैं, उस परिस्थिति को अंदर से देखो, तीसरे नेत्र से देखो। तीन दिन तक गंभीरता रही, फिर वही बात होती है, किसी भी संवाद का असर धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। आचार्य महाराज जी ने हम लोगों से कहा कि पूरी दुनिया में अपने सामने एक सबसे बड़ी समस्या है। समस्या क्या है कि हम किसी भी चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं। बगल में साथ देने वाला जो साधर्मी होता है, वो कोई राय देता है, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। विज्ञापन दिखता है, विज्ञापन से प्रभावित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कुछ सर्व किया जाता है, हम उससे भी प्रभावित हो जाते हैं। हमको प्रभावित करने वाली कई वस्तुएं हैं जो हमारे इर्द गिर्द है, हम उन वस्तुओं से प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकते। साधु पूरी ताकत लगा करके आपको दान के लिए प्रेरणा देगा, उसके ऊपर आपकी माँ धीरे से ऐसा इशारा करेगी, आप किससे प्रभावित होते हैं बताओ ना, किससे? अपनी माँ से तो प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन अपने महात्मा से प्रभावित नहीं होते। संस्कार है सृष्टि का ऐसा गजब का, अंतर्मन बोलता है, अभी तक जब तक तुम साधु की हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे, तब तक तुम अपने दो आंख से देख रहे हो। अपने लिए भी तीसरा नेत्र खोलो। आज आप सबके लिए भी वो बात कहना चाहता हूँ। आप लोग भी किसी भी परिस्थिति को तीसरे नेत्र से देखना शुरू करिए। कब तक दो आंखों से संसार देखेंगे? कब तक दो आंखों से किसी व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन करेंगे? कब तक दो आंखों से व्हाट्सएप या दूसरे आने वाले जो मीडिया कंटेंट होता है उससे प्रभावित होकर के अपनी जिंदगी को ऐसी दौड़ में शामिल करेंगे कि वहां से कभी छूटना संभव नहीं। सम्मेत शिखर जी से उतरते वक्त महसूस किया होगा, दिल बोलता है रुक जाओ, और पैर रुकने का नाम नहीं लेते। बड़े मुश्किल से ब्रेक लगाना पड़ता है, जब ऐसी ढलान होती है ना, उस ढलान में धीरे 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 शुरुआत में पैर बढ़ते हैं, बढ़ते 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 जब पैरों में ज़्यादा गति आ जाती है तो अंदर से आवाज़ आती है, रुको नहीं तो गिर जाओगे, पैर भी छिलेगा, घुटने भी छिलेंगे, मुंह के दांत भी टूटेंगे, दर्द भी बहुत होगा। लेकिन जिस वक्त आप ऐसा सोच रहे होते हैं, उस वक्त आप अपने पैर को रोक नहीं पा रहे। फिर धीरे धीरे जब आप सेल्फ कंट्रोल करते हैं, उस वक्त आपको लगता है भैया बच गए, नहीं तो यहाँ से गिरते तो पता नहीं क्या होता। तीसरा नेत्र आप भी अपने जीवन का खोलिए ना। मैं तो खोल के देखता हूँ। जब गुरुदेव ने मुझसे कह दिया कि अपना तीसरा नेत्र खोलो, तभी मुझे लगने लगा कि दुनिया में जो आँख से दिखाई दे रहा है
उससे भी अलग एक दुनिया है जो मन से और ज्ञान के कौशल से दिखाई देती है। आज दुनिया भर में किसी की भी प्रतिष्ठा धूमिल करनी हो, कोई बड़ा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, एक व्हाट्सएप वायरल कर देना पड़ता है। एक व्हाट्सएप वायरल किया और व्यक्ति की जीवन भर की छवि बर्बाद कर दी। एक व्हाट्सएप वायरल किया, किसी की 10 साल की साधना बर्बाद कर दी। फिर धीरे 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 ऐसे लोग बहुत ताकत के साथ अपनी बात रखते हैं। वकालत का एक बहुत बड़ा रूल है बंधुओं, घर में था तभी सीख लिया था, क्योंकि जहां मैं रहता था उसके बगल से एक वकील रहते थे, तो वकीलों में से चर्चा चलती रहती थी, बीच में टीन लगा था तो आवाज आती थी। उनने बताया झूठ भी क्यों ना हो, इतनी सजगता के साथ, इतनी मजबूती के साथ बोलो कि सामने वाले को झूठ भी सत्य लगने लगे। झूठ है, हम गलत हैं, कोई बात नहीं, इतनी सजगता के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि जज को भी लगे कि नहीं सत्य तो यही बोल रहा है, क्योंकि सबसे पहले आपका चेहरे का इंप्रेशन देखता है सामने वाला, ऑब्जर्वेशन करता है। हमने सीखा, हमने देखा कि छोटे से बच्चे को गलत पाठ पढ़ाया जा रहा है कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलो। आज फुल कॉन्फिडेंस के साथ मीडिया में, व्हाट्सएप पे, विज्ञापनों में झूठ बोला जाता है, हर परिस्थिति में झूठ बोला जाता है। बंधु, वो लक्स का साबुन निकाल करके वो जो महिला खड़ी होती है और जो देख करके आप लक्स का साबुन खरीदते हैं, आपको लगता है वो महिला लक्स का साबुन लगाती होगी? आप कैसा लगता है? नहीं लगता, ऐसा होता नहीं है। वो भी इंटरनेशनल लेवल का कोई बहुत बड़ी ब्रांडेड कंपनी का लिक्विड वॉश सो बॉडी वॉश यूज करती होगी, लेकिन एड काय का कर रही है, लक्स का। तो उसके वक्त क्या करे महाराज, तीसरा नेत्र खोलो अपना। जब कोई फिल्मी एक्टर किसी चीज की एक्टिंग करके आपको किसी चीज के लिए इंस्पायर करता है, विज्ञापन देता है, एड करता है, उस एड से प्रभावित मत हो, तीसरा नेत्र खोलो। किसी ने गाड़ी का एड का कर दिया, गाड़ी के एड देखे हैं कभी? फ्रूट्स के या फिर खाने पीने के एड देखे हैं कभी? देखिएगा, वो जो लाल टमाटर दिखता है ना, उसको लाल रंग में रंग करके फिर उसका फोटो खींच करके फिर आपको दिखाते हैं। ओरिजिनलिटी में दिखाएं तो आप, क्योंकि आपको तो आँख से देखने की आदत है, आप तो ज्ञान चक्षु से देख ही नहीं सकते। तीसरा नेत्र तो हमने बंद करके रखा है, वो खोल लेंगे महाराज तो फिर हमारी बात समझ में आने लगेगी। जब तक आप हमारी बात सुनते हैं और बिना समझे लौट जाते हैं, तब तक गुरुदेव कहते हैं दो आंख से देख रहा है, उसकी गलती नहीं है, क्षमा करो। लेकिन तीसरे नेत्र से देखने की बात गुरुदेव ने बार बार हम लोगों से कही, और जितनी बार फिर कभी आपस में आते जाते में टकरा जाते तो मुस्कुरा के बोलते हैं, नम्र, क्या गुरुदेव आप ठीक कह रहे हैं। बोल नहीं पाता था गुरुदेव के सामने। आज लगता है कि गुरुवर ने 2009 में वो जो संदेश दिया था, तीसरा नेत्र खोलो, आज सही में तीसरा नेत्र खोलने की जरूरत है। खुले तो हैं, लेकिन आज महाशिव का तीसरा नेत्र खोलने की भी जरूरत पड़ती है कि जिस नेत्र को खोलने के बाद थोड़ी विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना साय संभवामी युगे युगे, एक अलग तरीके का नेत्र से हर चीज देखनी पड़ती है। आज मैं देखता हूँ, लोग मुझे दिखाते हैं व्हाट्सएप पे तरह तरह के विज्ञापन, तरह तरह के संवाद। आपको लगता है कि इसमें बहुत बड़ा गहरा सत्य दिखाया जा रहा है? जितने भी लोग व्हाट्सएप के माध्यम से धर्म के सुधारक बनते हैं, जितने भी लोग मीडिया के माध्यम से धर्म को सुधारना चाहते हैं,
ये ऐसे नपुंसक है कि व्हाट्सएप पे सब लिखते हैं, अपना और अपने पिता का नाम नहीं लिखते। जिस दिन ये व्हाट्सएप वीर अपने पिता का और अपना नाम लिख देंगे, उसी दिन इनको समझ में आ जाएगा कि शब्द की कीमत क्या होती है। फिर उसका तीसरा नेत्र कोई और गुरु आकर के नहीं खोलेगा, उसके घर का बड़ा भाई छोटा भाई पिता ही खोल करके बोलेगा कि हमने तुमको गलत पैदा कर दिया। लेकिन ऐसे व्हाट्सएप वीर पूरी दुनिया में बहुत हो गए, और क्या करते हैं, किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति की, प्रतिष्ठित संस्थान की, प्रतिष्ठित चीज की, वस्तु की, उनका बस एक काम है, हमको कमीशन खाने नहीं मिला है इसलिए हम बुराई करेंगे, हमको उस वस्तु विषय पर हाथ धरने नहीं मिला है तो हम क्या करें। अब भैया आप कुछ तो करें, क्योंकि सेठ के पास तो 100 करोड़ रखे हैं, तो कुछ नहीं करो, जैसे सीता को बदनाम कर दिया था ऐसे अपन भी अच्छी सीता को बदनाम करते हैं। और एक सामाजिक कार्यकर्ता का मनोबल तोड़ना एक जिनालय तोड़ने के बराबर अपराध माना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। समझते हैं बात को, बड़ी मुश्किल से एक सामाजिक कार्यकर्ता खड़ा होता है, और व्हाट्सएप वीर जो होते हैं वो लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सुबह इसका, शाम इसका, फलाने चंद का, ढिकाने चंद का, किसी का भी। लेकिन कितनी क्षमता और समता है उन लोगों की जो चुपचाप तुम्हारे इस व्हाट्सएप चीज़ों को लगातार देखते रहते हैं, कुछ नहीं कहते, कोई जवाब नहीं देते। कई बार सज्जनों की शालीनता को लोग सज्जनों की कायरता समझ लेते हैं, ये सामने वाले की भूल है। जिस दिन हम जवाब देने में आएंगे, आप जवाब सुनने और देखने के लायक भी नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी व्हाट्सएप भी लगातार लगातार और लगातार लगे रहते हैं। आप लोग ऐसे व्हाट्सएप देखते हैं कि नहीं देखते, बोलिए तो एक बार। देखते हैं महाराज। एक समाज में कीड़ा लगा हो तो कोई बात नहीं है, दुनिया भर की समाज में कीड़े लगे हैं, हर समाज में, धार्मिक आयतनों में, धर्मशालाओं में, पुस्तकालयों में, किसी भी भोजनशालाओं में, जब कभी भी कुछ अच्छा होता है उसकी समाज को तोड़ने वाला दूसरी समाज का आदमी नहीं होता। जैनों को जैसे जैनों ने परेशान किया, ऐसे हर कौम का दर्द है, हर कौम में इस तरीके की गतिविधियां होती रहती हैं। मैं पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूं, अपना तीसरा नेत्र खोल करके उस मशीन में आते हुए किसी भी संवाद को देखो। एक बार मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग समाज सुधारक मोबाइल के माध्यम से बनते हैं, इनका मकसद क्या होता है? समाज की आस्था को सुरक्षित रखना, क्या समाज का विकास करना? अगर विकास करना होता है तो कमरे में बैठ करके संवाद किया जाता है, मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे ला करके। आपका मकसद किसी भी विषय वस्तु को सुधारना नहीं है, आपका मकसद है किसी व्यक्ति विशेष को बदनाम करना। बदनाम करने वाला कोई भी हो सकता है। ऐसे लोग अपने जैन शासन में इतने बड़े गद्दार हैं, इन गद्दारों की संख्या सिर्फ जैन शासन में बढ़ रही है, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा, क्योंकि प्रवचन तो सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है, सारी समाज के लोग सुनते हैं, चाहे वो अग्रवाल हो, चाहे माहेश्वरी हो, चाहे वैष्णव हो, कोई भी हो, हर समाज में ऐसे गद्दार मिलेंगे जो अपने ही समाज को जड़ से काटने के लिए लगे रहते हैं। सहारा क्या लेते हैं? विज्ञापनों का। कुछ नहीं करना, एक फ्रॉड मोबाइल का अकाउंट बना लो, उसमें XYZ39456 कुछ भी लिख दो, एक मीडिया का प्लेटफॉर्म तैयार हो दिया, निकालो अपनी भड़ास मीडिया में। सामने वाला अगर एक कार्यकर्ता अपने घर के अंदर बैठ गया और जैन शासन का या किसी और विषय वस्तु का पतन होने लगा, वे सारे लोग जवाबदार हैं जो मौन रह करके इस मीडिया कंटेंट को देखते तो हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, हंसी करते हैं। आज जवाबदारी है बंधुओं, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने
चला करके आपके दिमाग में कीड़ा छोड़ने की कोशिश करी है, जहां से वो व्हाट्सएप वायरल होता है वहीं से उसको रोकने का आप स्वयं प्रयास करिए। इससे आपका शासन उन्नत बनेगा। आपकी सामाजिक गतिविधियों में जो दूषित मानसिकता करने वाले लोग घुसपैठ करके इस तरीके का काम करते हैं उनको विराम मिलेगा। जब कभी परोक्ष में भी कोई देव शास्त्र और आपके गुरु की निंदा करे तो उसको एकांत में भी टोको एक बार, खबरदार मेरे गुरु के बारे में कुछ कहा तो ठीक नहीं होगा, ऐसा बोलो। ऐसा बोलने से गद्दारों का जो खून पानी बन गया है वो वापस उनके पानी में खून बनने की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे कई गद्दार सामने खड़े होने लगे जो सिर्फ व्हाट्सएप खेलते हैं, व्हाट्सएप में दुनिया भर की चीज़ें दिखाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना बड़ा जमाना आ गया। अभी कल शाम को एक बच्चा मिला, बोला महाराज जी मैं सिर्फ 700 रुपये लेता हूँ। हमने कहा क्या करते हो, 700 रुपये में 2 मिनट की ऐसी क्लिप बना के दूंगा कि लोगों को लगेगा बिल्कुल ओरिजिनल क्लिप है, किसी के बारे में कुछ भी। हर आदमी इस तरीके का काम करके पता नहीं क्या प्रस्तुत करना चाहता है, क्या मकसद होता है उन लोगों का जो व्हाट्सएप में इस तरीके का संवाद करके किसी को अप्रतिष्ठित करते हैं। सबसे बड़ा दर्द तो ये होता है कि जब प्रतिष्ठित लोग अपने से भी ज़्यादा प्रतिष्ठित लोगों को अप्रतिष्ठित करते हैं, जिसको अपनी स्वयं की प्रतिष्ठा की चिंता नहीं है। मैं लगातार महीनों से, आप सब भी देखते हैं ना, देख रहे हैं ना आप लोग, बोलो ना हाँ, माँ बहनों के एंड्रॉयड में भी सारी बातें आती होंगी, पुरुषों के एंड्रॉयड में भी सारी बातें आती होंगी, पूरी दुनिया में हर चीज़ घूम रही है। बस सौभाग्य इस बात का है कि जैन समाज की बात जैन समाज में घूम रही है, अन्य समाज की बात अन्य समाजों में घूम रही है। लेकिन हम कितने भी मिलजुल करके रहने वाले लोग हैं, अपनी अपनी कम्युनिटी में और अपनी अपनी सोसाइटी में एक दूसरे को वो जो खींचने की परंपरा है, इसका मकसद तो बताइए एक बार। किसी व्यक्ति से पूछो तो कि तुम इतना बड़ा खर्रा लिखते हो उस व्हाट्सएप पे, उसमें अपने पिता का और अपना नाम क्यों नहीं लिखते? नाम लिख दोगे तो तुम्हारा क्या घट जाएगा? ज्ञानी तो तुम बहुत बड़े हो, पता तो तुमको सब है, आना पाई से ऊपर से नीचे से आगे से पीछे तक, लेकिन नाम नहीं लिखते। जवाब किसको देना है मुझे? इन सारे व्हाट्सएप का जवाब देने की जवाबदारी मेरी है। मैं पूछना चाहता हूं जवाब किसको दूं, किसको समझाना है मुझे, मुझे ही पता नहीं चलता। बिल्कुल अदृश्य रावण है जो लगातार जैन शासन में घात किए जा रहा है। अगर कहीं दिख जाए तो आप लोगों से भी कहना चाहता हूं गला पकड़ लेना, पहली बार में पाप नहीं लगेगा। बोलना उससे ये अपराध है, इससे शासन धूमिल होता है। बढ़ावा मत दो, उठाते हैं, उठा करके फॉरवर्ड कर देते हैं, फिर फॉरवर्ड कर देते हैं, फिर फॉरवर्ड कर देते हैं। कई बार फॉरवर्ड करने के बाद ऐसे इलीगल मैसेज जो होते हैं फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड होने लगते हैं, फिर दिक्कत होती है। आप सबको भी होती है, जैन शासन के साधुओं को भी होती है। साधकों का विश्वास कम होता है तो दान की शक्ति कम पड़ती है। हर साधु शक के घेरे में आता है, हर साधु के बारे में गलत सोचा जाता है। ईमानदार साधु भी जैन शासन की मेहनत करना चाहता है तो उसका पुरुषार्थ बेकार चला जाता है। एक गलत अफवाह करने पर आप तो एक अफवाह करके छोड़ देते हैं। कितना सरल लगता है कि भरे हुए तालाब में छोटी सी गंदगी फैलाना, कितना मुश्किल होता है एक तालाब का पूरा पानी साफ करना, कितना मुश्किल होता है। देखा है कभी आपने कुआं में एक कुत्ता या एक बिल्ली मर जाए फिर क्या करना पड़ता है बताओ? पूरे कुएं का पानी साफ करना पड़ता है, बड़ी बड़ी मोटर लगानी पड़ती है, कुएं का पानी उलीचो, उसके बाद उसकी दीवारों को धो, तब जाकर के जैन कुल का आदमी फिर पानी पीने लायक उस स्रोत से पानी ले पाता है। मानसिकताओं में इस तरीके के कितने सारे जीवों की हत्या करने का उन लोगों को जो अपराध लग रहा है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। अपने गुरु के साथ, अपने ही देव के साथ, अपने ही शास्त्र के साथ इस तरीके की व्हाट्सएप बाजी
20 पंथी हो, 13 पंथी हो, स्थानक वासी हो, मूर्ति पूजक हो, देरासर वासी हो, तारण पंथी हो, गुमान पंथी हो, किसी भी पंथ का हो, हर पंथ में चल रही है, हर पंथ के लोग अपनी ही पंथ के लोगों को काटने में वो जो सुख की अनुभूति कर रहे हैं, इससे तुमको क्या मिलता है? इस तरीके की मान, इस तरीके का क्रोध कसाय करके, इस तरीके की अपनी कसाय का प्रस्तुतिकरण इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में करके तरह तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं। मुझे दिखाया गया अभी परसों नरसों, 3-4 दिन पहले, महाराज जी ये इस मेटल को देखिए, इस मेटल को काट करके ऐसा ऐसा शो किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी, और आप उसमें विश्वास कर लेते हैं। FIR दर्ज करानी पड़ेगी आप लोगों को सामूहिक रूप से कि हमारे शासन को इस तरीके से किसी ने बदनाम करने की कोशिश करी है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। मैंने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया है, जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं वो अच्छे से सुन ले, तीसरा नेत्र मैंने अपना खोल लिया है, और जनता से भी कहना चाहता हूँ कि वो अपना तीसरा नेत्र खोल करके इस तरीके के व्हाट्सएप बाजियों का जवाब दिया करे, वहीं पर रोका करे, सामने वाले को ब्लॉक किया करे। अचानक उसको लगेगा कि हमने थोड़ा सा फॉरवर्ड किया था, यहीं पर रोक दिया। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के जो बेहतरीन युवा कार्यकर्ता अपनी समाज के हैं, उन तक भी अगर ये व्हाट्सएप पहुंचता है तो कम से कम उनका अकाउंट ही बंद कराएं, तब जाकर के आपकी शासन का ये भी एक समर्पण माना जाएगा। समर्थन करिए तालियां बजा करके, आवाज कैमरे तक जाएगी, कैमरे में पता चलेगा कि इतने सारे लोगों के बीच में संवाद हो रहा था। ये दर्द है, एक ऐसा दर्द है, इस दर्द के कारण आज पूरे समाज में हर मानस में क्षति हो रही है। वो क्षति बर्दाश्त के लायक नहीं है, कोई मकसद नहीं है सामने वाले का कि जैन शासन की तरक्की करे, सिर्फ अप्रतिष्ठित करना है देव को, शास्त्र को और गुरु को, तीनों को अप्रतिष्ठित करने का ठेका उठा लिया कई लोगों ने। कई लोग कट्टर भक्त बनते हैं, पता नहीं किसकी भक्ति करते हैं, गद्दारों की भक्ति करने से कुछ नहीं मिलता। तीसरा नेत्र खोल करके देखो कि आज ईमानदारी के साथ तुम्हारे गुरु का साथ कौन दे रहा है, और उसकी भक्ति करो, उसका कंधा मजबूत करो, तब जाकर के जैन शासन मजबूत होगा, नहीं तो टूट जाएगा बंधुओं, और आगे आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना मुश्किल होगा। आगे आने वाली पीढ़ियां जवाब मांगेंगी ना, आप जवान थे, समझदार थे, आपका दिमाग चलता था, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? कई बार मौन रहना बहुत घातक होता है, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। बहुत दिनों से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, दर्द होता है अंदर। लोग व्हाट्सएप पे समझाना चाहते हैं, गुरु महाराज को समझाना चाहते हैं, पास में जाकर के संवाद करके समझा दो ना। हम लोग पढ़े लिखे लिटरेट लोग हैं, जरा सी बात समझ में आ जाएगी, आपका मैसेज क्लियर कर लेंगे, आपका मानसिकता अगर खराब है सही कर देंगे। 2-4-5-10 लोग मिलकर के आ जाओ, अकेले बात करने में डर लगता है, तो कहीं भी चले जाओ। ये व्हाट्सएप वीर बन के क्या हासिल करना चाहते हैं? मकसद शासन की रक्षा करना है? नहीं, ये शासन के ऐसे जयचंद हैं, इनको खाने नहीं मिला तो ये गद्दारों के साथ मिलकर के व्हाट्सएप चला रहे हैं। इनको लोग फंडिंग करते होंगे, घर चलाने का पैसा देते होंगे, इनके मोबाइल एक नया देते होंगे, उनको कहीं से पूर्ति करते होंगे, उनके व्यसनों की पूर्ति होगी, होती होगी, कोई काम धंधा, कोई पुण्य बहुत मद्दा था, ऐसे लोगों ने ये धंधा पकड़ लिया। वैश्यवृत्ति से भी निकृष्ट धंधा है किसी की प्रतिष्ठा धूमिल करना। आचार्य भगवंत कहते थे, दुनिया की सबसे बड़ी हिंसा है किसी की प्रतिष्ठा धूमिल करना। और ये प्रतिष्ठा धूमिल करने वाले लोग शब्दों में भी बोलते हैं, माइक से भी बोलते हैं, व्हाट्सएप से भी बोलते हैं, लेकिन अपने गुरु महाराज से सीधा संवाद नहीं करते। हाय राम, कौन समझाएगा इनको? अभी तक शांत था, देख रहा हूँ सब चीज़ें,
सब दिखती हैं, लेकिन तीसरा नेत्र खोल लिया है जवाबदारी के साथ। और किसी ने अपनी जवाबदारी उठाई हो या नहीं उठाई हो, मैं फिर डंके की चोट पे वह बात कहता हूं कि गुरुदेव के जाने के बाद गुरुदेव के सारे प्रकल्पों को पूरी करने की जवाबदारी जैसे गुरु महाराज समय सागर जी महाराज ने उठा ली है, दूसरी तरफ मैंने भी उठा ली है। मैंने दुनिया में कोई मेहनत करे या नहीं करे, मैं अपनी प्राण के अंतिम श्वास तक मेहनत करूंगा। आचार्य भगवंत ने जिन मंदिरों के लिए आशीर्वाद दिया है, जिन शुभ संकल्पों के लिए अपनी 55 साल की साधना दांव में लगाई है, ऊर्जा लगाई है, उसमें अगर मैंने अपना कंधा नहीं लगाया तो भगवान से प्रार्थना करता हूं ये कंधा टूट के किनारे फेंक जाए, किसी काम का नहीं है ये कंधा। आज जरूरत है ऐसे लोगों की जो अपने गुरुदेव का बहुमान सम्मान सुरक्षित रख सके। सुनता हूं तो दर्द होता है, जवाब नहीं दे पाता किसी को, क्योंकि वो लोग नाम नहीं लिखते हैं। एड्रेस नाम पता लिख करके संवाद तो करिए, खुद नहीं है मेरा, ये दर्द है। इतने सारी 45-50 लाख की जैन समाज है, किसी के मानसिकता को दूषित करने का क्या अधिकार है आपको? किसने बोला आपको कि आप अपने अधिकार के साथ किसी भी तरीके की अफवाह फैला करके शासन में लोगों की प्रतिष्ठा, लोगों की शंका, दान देने की कैपेसिटी लोगों की कम होती है, लोगों को अविश्वास बढ़ता है। ये सब के जवाबदार हैं वो लोग। एक आदमी एक बार कुछ कह देता है, कितने लोगों तक उसका प्रभाव जाता है इसकी उनको चिंता नहीं है। वो लगातार व्हाट्सएप खेल रहे हैं। आप उनके व्हाट्सएप का समर्थन मत करिएगा। आप कभी भी आपके पास कोई ऐसा रॉन्ग मैसेज आता है गुरुदेव के नाम पर, किसी भी मेटल को लेकर के काट करके उसके चार टुकड़े करके बता दिए ऐसा है वैसा है ये है और वो है, जिस दिन जिसके नाम की बदनामी की जा रही है उसने जवाब दिया ना, तो वो फोर्स खड़ी कर देगा घर के सामने आपकी। इतना ताकतवर इंसान है, आचार्य जी को समर्पित इंसान है वो, गुरुदेव का ऐसा हनुमान है जिसका नाम राजा भाई सूरत है। उसने बक्स से पहले अपने सारे काम छोड़ करके आचार्य जी का काम किया। उसने की बात कही थी, पूरी संपत्ति भी अगर आचार्य जी के कहने पर कहीं लगा दी जाए तो कम है महाराज, हम वो लोग हैं कि हमने गुरु भक्ति सीखी है, घर के अंदर स्वाध्याय करते हैं, माला फेरते हैं, चतुर्दशी का उपवास करते हैं, 20,000 करोड़ के असामी होने के बाद प्रतिमाधारी घर के अंदर रहते हैं, उनके यहाँ बड़े बड़े हीरो के बड़े बड़े कारोबार होते हैं, डाइनिंग प्रिंटिंग मील्स हैं, बड़ी बड़ी लैंड लॉर्ड हैं, उसके बाद दो दो घंटे स्वाध्याय करते हैं, उपवास करते हैं, एकासन करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, उनके बारे में भी लोग इस तरीके का फैलाते हैं, लज्जा नहीं आती? आनी चाहिए ना। क्या पाउडर का दूध पी करके बड़ा हुए हो कि बिल्कुल भी जैन शासन की कीमत नहीं पता है कि किसी भी तरीके से किसी भी संवाद को आकार देने का एक तरीका होता है, कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये तरीका आता हो तो हर बात सुनी जाती है। और एक बिगड़ी हुई औलाद क्या जाने कैसे गुरुओं के चेहरे से उनकी हंसी जाती है, हंसी चली गई। रोज सुनता हूं, एक महीने से लगातार 1.5 महीने से सुन रहा हूं। आज एक हरे कलर का फिर पोस्टर छापा किसी क्षेत्र के बारे में, कोई काम नहीं बचा, दुकानदारी चलाओ, अपना घर संभालो, धर्म ध्यान करो, माला फेरो, ये तब तो बचा नहीं है, बस एक ही चीज बची है। सुबह से लेकर शाम तक किसी ने फंडिंग कर दी, हाँ महाराज हम करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, बस इस यही जीवन रह गया क्या? उत्थान की और भी बहुत अच्छी परिभाषाएं हैं, जैसी उत्थान की वो पवित्रतम परिभाषाएं। इतने संवाद के बाद लाल घाटी जैन नगर की कॉलोनी में रहने वाली माँ बहनों ने आज स्वीकार की, 50 रुपए के संकल्प के साथ 200 महिलाओं का अगर एक साथ जुड़ा हो गया तो गुरुदेव के उस पावन पवित्र प्रकल्प हबीबगंज में, मैं साधुवाद देता हूं पूरी जैन कॉलोनी की एक एक माँ बहन को कि उन्होंने गुरुदेव के पवित्रतम प्रकल्प में अपना समर्थन दे करके एक गर्व से अपने गुरु का माथा और ऊंचा उठाया है। समर्थन छोटा सा है लेकिन समर्थन जब एक जगह सेंट्रलाइज होता है उसकी ताकत देखने लायक रहती है।
अगले 5 वर्षों के संकल्प के साथ ये पूरा महिला मंडल सहस्कुट जिनालय का ऊपर का डोम बनाने का जो सौभाग्य प्राप्त करेगा, पूरी दुनिया देखती रह जाएगी, इतिहास याद रखेगा कि महिलाओं ने रोज का नियमित पैसा दे करके यहां पर एक सौभाग्य प्राप्त किया। ये हमारा जीवन का सौंदर्य है बंधुओं। मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं, आज के बाद सब लोग तीसरी आंख भी खोलो। तीसरी आंखें दोनों प्रकार से बहुत अच्छी हैं। आतताई को भस्म करने के लिए जैसे महाशिव ने तीसरी आंख खोली थी, वो तीसरी आंख भी खोलो, और किसी सृष्टि का विकास करने के लिए, सत्य को समझने के लिए भी तीसरी आंख खोलो। एक विषय में नहीं, हर विषय में खोलो। बच्चे को देखो तो तीसरी आंख से, धर्म को देखो तीसरी आंख से, अपने आप को देखो तीसरी आंख से। दो आंखों से तो आईने में देख लेते हो, तीसरी आंख से आईने के पार जाकर के अपना चेहरा देखो। दो आंखों से अपने बच्चे की बात सुन लेते हो, समझ लेते हो। तीसरी आंख से देखो कि बच्चा एक्चुअल में क्या चाहता है। जब आपकी भोग वृत्ति जीवन शैली हो, उसको भी तीसरी आंख से देखो। दान देते हो, दान देने की कैपेसिटी को भी तीसरी आंख से देखो। हर चीज को तीसरी आंख से देखो। अपने लोभ को भी आंख से मत देखो, तीसरी आंख से देखो। वो तीसरी आंख, वो ज्ञान का चक्षु जिसका खुल जाता है, वो निहाल हो जाता है बंधु। हम कब तक दो आंख से देखेंगे? हम कब तक दो आंखों से देखते 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 अपने जीवन को पूरी गर्त पे, उसी फिसलन भरी जगह पर लेकर के जाएंगे कि जहां से गिरने की संभावनाएं 99% है, बचने की 1% है। गुरु वैसे तो उद्वेग की भाषा नहीं बोलते, लेकिन नहीं बोलो तो काम भी नहीं चलता है। नहीं बोलूं मजबूरी रहती है, साधु के हाथ में शब्द का शस्त्र उठाना। कली गुरुदेव ने कहा था, शस्त्र के पीछे शास्त्र लगा के बोलना विनम्र सागर। इसलिए बहुत संतुलित शब्दों में, लेकिन अपनी बात रख रहा हूं पूरे विश्व की जनमानस के बीच में। इन व्हाट्सएप वीरों का बहिष्कार करिए, उस नंबर का बहिष्कार करिए। कसम खाइए कि इस नंबर को आज के बाद कभी भी हम ओपन नहीं करेंगे, हमारे सगे भाई का भी क्यों ना हो। ये आतंकवादियों के जैसे, बिल्कुल कायरों के जैसे किसी बंद कमरे में योजना बनाते हैं और पूरे देश में फैला करके आतंकवाद घोषित करना चाहते हैं। ऐसे गद्दार और ऐसे आतंकवादियों को उनका हिसाब किताब करना सिर्फ मेरा काम नहीं है, एक एक व्यक्ति का काम है। जहां लगे कि किसी ने गलत बात कही, शाम के अंधेरे में भी हमने देखे ऐसे भक्त, गर्व हुआ हमको उस बात में। मेरे बारे में मेरे किसी भक्त से किसी ने उल्टा कह दिया, वो व्यक्ति क्या कहता है, खबरदार अगर हमारे गुरुदेव के बारे में कुछ कहा तो जान ले लेंगे तुम्हारी। क्या ऐसा क्यों कहा तुमने? बोले जिस साधु के ऊपर मैंने 50 साल से आस्था बना के रखी है, उसको तुम दो शब्दों के माध्यम से मेरी आस्था में आग लगाना चाहते हो, खबरदार। ऐसा सामने वाले को भी सिखाना पड़ेगा। गुरुदेव ने इतना पवित्र एक वह जो जिनबिंब का निर्माण किया है, तरह तरह की बातें उठाते हैं लोग, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं उन लोगों को जानता हूं जो गुरुदेव के बारे में बातें उठाते थे, गुरुदेव के कमरे के अंदर जाने में दुखदुखी लगती थी ऐसे लोगों को। कभी अकेले नहीं गए गुरुदेव के कमरे में, बहुत सब कुछ देखा है मैंने। पिछले 20 साल तक लगातार गुरुदेव के साथ रहा हूं। प्रौढ़ व्यक्ति से सन्निधि को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अनुभव बहुत ज्यादा होता है। आचार्य भगवंत के साथ 20 साल तक रह करके हर स्थिति को मैंने अपनी आंख से देखा है। मुझसे पूछिए जिनबिंब कैसे बनाया, मैं आपको बताऊं कि जिनबिंब के पीछे गुरुदेव ने कितनी मेहनत करी है। आंख बंद करके ध्यानस्थ होकर के बैठते थे। आगम ग्रंथों में सीमंदर स्वामी का चेहरा देखने का मंत्र लिखा है। कभी उठा करके बृहद्दभ्य संग देखिएगा कि विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर विराजमान है, उनके चेहरे के देखने का मंत्र है आगम ग्रंथों में। कई बार ऐसा महसूस किया कि गुरुदेव आंख बंद करके बार बार उस चेहरे को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि विदेश क्षेत्र में सीमंदर स्वामी कैसे दिख रहे हैं। और जब उनकी दृष्टि में सीमंदर स्वामी का पूरा प्रॉपर चेहरा दिख गया,
तब गुरुदेव को उस बिंब में संतुष्टि हुई कि यह चेहरा 10 साल की मेहनत के बाद आज बिल्कुल सही बना है। कहने में दर्द होता है लेकिन मैं टिकता नहीं। तीसरी आंख खोल ली है, अब भी खोलिएगा। गुरुदेव के किसी भी संवाद, किसी भी प्रकल्प, किसी भी प्रतिष्ठान में कोई भी उसकी प्रतिष्ठा धूमिल करेगा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। इस बात की जवाबदारी समाज के लोगों को भी उठानी पड़ेगी। बंधु, आपकी जवाबदारी बनती है। इस तरीके का संतुलित संवाद करिए, मीठे शब्दों में अपनी बात रखिए, निवेदन करिए, श्रीमान जी आपको अगर किसी बात का समीकरण समाधान चाहिए है, आप सामने आके संवाद करिए, आप सामने आकर के किसी कमेटी से मिल लीजिए, पूछ लीजिए, ये पीठ पीछे कहाँ क्या करते हैं इसके बारे में कौन जवाबदार रहता है, किसको जवाब दें हम बताओ, किसको गुरु महाराज जवाब दें। आचार्य महाराज तो पिछले 20 साल तक जवाब नहीं दे पाए, तरह तरह के पत्र आते थे, गुरु महाराज के टेबल पे रख दिए जाते थे, आचार्य भगवान पढ़ते थे, अलग कर देते थे, बोलते थे इतनी सारी शंकाएं कुशंकाएं कर तो रहा है, जवाब किसको देना है ये पता नहीं है। नीचे लिख दिया कुछ भी, आपके भक्त जैन शासन के रक्षक ये और वो फलाना ढिकाना ढिमका, क्या होता है इससे, क्या होता है? आपको अगर समाधान चाहिए है, आपको संस्कृति की चिंता है, आप कोई विद्वान है, आप कोई ज्ञानी है, आप कोई पढ़े लिखे हैं, आपको शास्त्र की भाषा आती है, तो पूछ लीजिए ना, सामने बैठ करके धीरे से वो बात भी तो पूछी जा सकती है। व्हाट्सएप पे वायरल करके क्या मिलता है? मकसद तो तीर्थ शासन की सुरक्षा करने का नहीं है। किसी व्यक्ति को अप्रतिष्ठित करके अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है, उसकी प्रतिष्ठा भी वैश्य के जैसे 2 कौड़ी की है कि हमने तुमको नीचा दिखा करके अपने आप को ऊंचा कर दिया। गुरुदेव के साथ एक संस्मरण मुझे याद है, आचार्य श्री जी के पास जाकर के और कोई अन्य साधु किसी अन्य साधु की बुराई करने लगा। आचार्य महाराज जी को उसको साधु को लगा कि गुरुदेव के सामने उनके बारे में ऐसा ऐसा कहेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। आचार्य महाराज जी बोलते हैं, साधु होकर के साधु की बुराई करते हो, शर्म नहीं आती? फिर दूसरी बात बोलते हैं कि किसी की निंदा करके प्रतिष्ठा पाने वालों की प्रतिष्ठाएं बहुत हल्की होती हैं, ताश के पत्तों के जैसे होती हैं, आज बनती हैं और कल मिट जाती हैं। तब महानुभाव, दुनिया भर के जो भी लोग इस संवाद को सुन रहे हैं, सबसे कहना चाहता हूँ, इस तरीके का कोई भी व्हाट्सएप पता नहीं कहाँ से अज्ञात स्रोत है, जैसे कहाँ से बदबू आती है, कहाँ से घर के अंदर नाली का पानी झिरता है पता नहीं चलता, ऐसे उस अज्ञात स्रोत से आने वाले किसी भी व्हाट्सएप, किसी भी प्रकार के किसी भी संवाद को आप सब महानुभाव बढ़ावा न दीजिए। सिर्फ एक समाज नहीं, पूरे विश्व की समाज, अपने अपने समाजों में इस तरीके की सुरक्षा का माहौल बनाइए। जैन समाज वाले जैन समाज में सुरक्षा का माहौल बनाए, हिंदू वैष्णव उसमें बनाए, और भी मत के लोग उसमें बनाए, हर मत में होता है, पता नहीं क्यों, लेकिन कोई शकुनी, कोई जयचंद, कोई कंस अभी भी पता नहीं क्यों रूप बदल बदल करके पैदा होता रहता है, फिर अपने आपके लोगों को, परिवार के लोगों को प्रताड़ित करता रहता है। भगवान से उनके लिए भी प्रार्थना करो, ना समझ में आए तो एक सामूहिक शांति विधान करो मंदिर में जाकर के कि भगवान इन लोगों को बुद्धि प्रदान करे और इस तरीके के ये संवाद देना बंद करें। तब जाकर के जैन शासन, आचार्य महाराज जी हमेशा कहते थे कि सिर्फ विधि विधि की बात नहीं होती, निषेध की भी बात होती है। आचार्य श्री जी ने मूक माटी में बहुत अच्छे शब्द लिखे, कार्य की सिद्धि के लिए उपाय की उपस्थिति ही नहीं, अपाय की अनुपस्थिति भी आवश्यक होती है बेटा। गुरुदेव के शब्द हैं, उपाय तो हमने कर लिया, हमने किसी से कहा कि आपको दान के मामले में आगे आना चाहिए, वो आ गया, दान दे गया और आस्था छोड़ गया, तो उसका दान भी व्यर्थ हो जाएगा। आज एक ऐसा माहौल बनाइए, आपस में एक दूसरे से ऐसा संवाद करिए कि एक दूसरे को देवशास्त्र गुरु के प्रति आस्था और बढ़े, भगवान के प्रति आस्था बढ़े, जिनबिंब के प्रति आस्था बढ़े, मंदिरों के प्रति आस्था बढ़े। आस्था बढ़ाने वाले कोई दिया जलाएं सो ठीक है, लेकिन इस तरीके की कालिक पोतना और उसमें से अपने घर में रोशनी करना ये ठीक बात नहीं है। तीसरा नेत्र, गुरुदेव ने हमसे कहा था, हम सबसे कहा था, हम ग्रुप के लोगों से, अपना तीसरा नेत्र खोलो। संवाद थोड़ा कटुक लगेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आवश्यक है
तो इस संवाद के माध्यम से स्वतः प्रेरणा लेकर के अपने आप को संतुलित करें, असंतुलित लोगों को भी संतुलित करें। इन्हीं शब्दों के साथ शब्द को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री की जय।